एक जर्नलिस्ट की फ्रेंड उसे अपने बड़े बिजनेसमैन के साथ अफेयर के बारे में बताती है और आफ्टर वन वीक उसका मर्डर हो जाता है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो जर्नलिस्ट उस बिजनेसमैन के लिए काम करने लगती है और धीरे धीरे बहुत सारे राज बाहर निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है परफेक्ट स्ट्रेंजर, जिसे डायरेक्ट किया है जेम्स फोले ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम रोवेना नाम की बंदी को देखते हैं। वो एक जर्नलिस्ट है और आज वो एक बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी। उससे बात करने के बाद वो कहती है, तुम एक गे हो और इसके बाद भी गे राइट्स के अगेंस्ट हो, ये तो डबल स्टैंडर्ड है। सीनेटर के इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इस बात को दबाने के लिए वो कितने भी पैसे खर्च करने के लिए रेडी था, लेकिन रोवेना इस बात को नहीं मानती। वो सीनेटर को एक्सपोज करने वाली थी तो इस बात के लिए वो बहुत खुश थी। वो अपने कलीग माइल्स के साथ इसे सेलिब्रेट करती है, लेकिन अगले ही दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारा सोर्स अब पलट चुका है। उस सीनेटर ने उसके सोर्स को बहुत सारे पैसे दे दिए थे, जिसकी वजह से अब ये स्टोरी एक्सपोज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। इसके बाद रोवेना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि उसके करियर के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी हो सकती थी। वो गुस्से में स्टेशन पर आती है और वहीं पर अपनी फ्रेंड ग्रेस से मिलती है। ग्रेस ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्टोरी है। हैरिसन हिल एक बहुत ही बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी का ऑनर था। एक फंक्शन में मैंने उसे देखा था तो मैंने डायरेक्टली उससे ऑनलाइन कॉन्टेक्ट किया। हम दोनों में बात होने लग गई और हम फ्लर्ट भी करते थे। एक दिन मैं उसके सामने आ गई, फिर क्या था, हम दोनों इंटीमेट हो गए। इसी तरह से हमारा अफेयर चला। फिर अचानक उसने कॉल करना ही बंद कर दिया। ग्रेस चाहती थी रोवेना हैरिसन हिल को बदनाम करे। ग्रेस और रोवेना बचपन से एक दूसरे के नेवर थे। हम रोवेना के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं ग्रेस से मिलकर वो इतनी खुश नहीं थी। घर आकर रोवेना ने हैरिसन पर रिसर्च किया, लेकिन उसे इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन रोवेना को ग्रेस की मदर का कॉल आया। वो कहती है ग्रेस घर पर नहीं आई, वो उसके लिए बहुत ही वरीड थी। रोवेना कहती है ग्रेस को कुछ नहीं हुआ, एक हफ्ते पहले ही तो मैंने उससे बात की थी। फिर हॉस्पिटल से कॉल आता है। ग्रेस की बॉडी पहचानने के लिए रोवेना को बुलाया जाता है। रोवेना हॉस्पिटल पहुंची। ग्रेस की बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी बॉडी पर टैटू से रोवेना ने उसे पहचान लेती है। इस बात से बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गई। रोवेना ग्रेस की मदर को प्रॉमिस करती है, जिसने भी ये किया होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। ग्रेस का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ आजकल उसके झगड़े चल रहे थे, लेकिन उसने ये नहीं किया था। अगले सीन में रोवेना ने माइल्स से बात की। माइल्स साइबर सिक्योरिटी में है। रोवेना ग्रेस और हैरिसन के बीच जो भी बातचीत हुई थी इसके बारे में जानना चाहती थी। उसे लगता है शायद हैरिसन ने ही ये सब करवाया होगा। माइल्स भी ग्रेस को जानता था। तब रोवेना ने पूछा, क्या तुम भी उसके कॉन्टैक्ट में थे? माइल्स ने कहा, जब मुझे पता चला तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ग्रेस इंटीमेट हुई है, इसके बाद से मैंने उसे कोई भी रिलेशन नहीं रखा। यही रीज़न था रोवेना ग्रेस से अपसेट थी। माइल्स सारी चीज़ें पता करता है। हैरिसन हिल ग्रेस से जो चैट करता था उसका यूज़र नेम एडिक्स है। अगर रोवेना कनेक्ट कर पाई कि हैरिसन हिल ही एडिक्स है तो उसे वो क्राइम से भी कनेक्ट कर सकती है। यही पता करने के लिए वो एक फेक आईडी बनाकर हैरिसन हिल के यहाँ काम करने वाली थी। ये सब करने के लिए माइल्स उसे हेल्प करता है। रोवेना का एक बॉयफ्रेंड भी है जो माइल्स को अच्छा नहीं लगता क्योंकि माइल्स उसे लाइक करता है। इसके बाद हम हैरिसन हिल को देखते हैं। ये उस टाइप का करेक्टर है, अगर उसे किसी ने धोखा दिया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद धोखेबाज है, अपनी वाइफ पर चीट करता है। रोवेना जब उसके लिए काम करने लग गई तब वो उसे नोटिस करता है। माइल्स को ग्रेस की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला ग्रेस को पॉइजन देकर मारा गया है, लेकिन ये पॉइजन उसकी आंखों में डाला गया था। जब उसका मर्डर हुआ तब वो प्रेग्नेंट भी थी। ये सारी बातें वो रोवेना को बता देता है। रोवेना को ये डिस्टर्बिंग लगा, लेकिन फिर भी वो अपने जॉब पर फोकस करती है। अपने कलीग से उसने हैरिसन के बारे में पूछा, उसके अफेयर्स के बारे में पूछा। कलीग ने कहा उसके बहुत सारे अफेयर हुआ करते थे, खुद के ऑफिस में भी उसके अफेयर्स थे जिसे लेकर उस पर केस भी हुए थे, लेकिन उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसने इन केस को निपटा दिया। उसकी वाइफ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अगर उनका डिवोर्स होता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से वो अब तक उसके साथ है। वो सिर्फ वेट कर रही है हैरिसन को पकड़ने का। इसके बाद वो डिवोर्स ले और उससे बहुत सारे पैसे लेकर चली जाएगी।
घर पर माइल्स रोबेना के चैट के लिए सेटअप करवा देता है। अब वो हैरिसन की एक्स एम्प्लॉय के नाम से हैरिसन के साथ चैट करेगी, बस ये कंफर्म करने के लिए कि हैरिसन ही एडिक्स है। यहाँ पर वो ये भी डिस्कस कर रहे थे कि हैरिसन की वाइफ ने भी ये मर्डर किया हो सकता है, क्योंकि उसके पास पैसों का मोटिव है। रात में हैरिसन से चैट करते टाइम रोबेना थोड़ा टेंशन में थी, लेकिन माइल्स उससे पीसी लेकर डायरेक्टली हैरिसन को कॉन्टेक्ट कर देता है। जब तक रोबेना ने हैरिसन के साथ बात की, तब तक माइल्स ने हैरिसन के सारे चैट निकाल लिए। माइल्स ने रोबेना के परमिशन ना लेते हुए सब किया था, इस वजह से वो गुस्सा हो गई और उसे दोबारा ये सब करने के लिए मना करती है। रोबेना फिर हैरिसन से रेगुलरली बात करना स्टार्ट कर देती है। ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे थे। रोबेना ने उससे कहा, मैं पहले तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी। हैरिसन फिर डायरेक्टली उससे उसकी फ़ोटो मांग लेता है। रोबेना ने जल्दी से माइल्स को कॉल लगाया और उसे कहती है, जल्दी से कंपनी के डेटाबेस से वेरोनिका नाम की एम्प्लॉय की एक फ़ोटो निकालो। हैरिसन चैट को बंद कर दे इससे पहले माइल्स ने फ़ोटो उसे भेज दिया। ये फ़ोटो रोबेना के पीसी पर ही थी। तभी सामने से हैरिसन आ गया। वो पीसी बंद करने का बहुत ट्राई करती है, फिर फाइनली उसने पीसी बंद कर दिया। हैरिसन रोबेना से भी फ्लर्ट कर रहा था। उसने कहा, मैं पास के एक बार में जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। रोबेना ने कहा, अगर मुझे लगा तो मैं लास्ट में आ जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं, आज रात रोबेना और माइल्स की ग्रेस के इन्वेस्टिगेटर के साथ मीटिंग थी। वहां से उन्हें पता चलता है किसी पॉइजन की वजह से ग्रेस की डेथ हुई है। वो पॉइजन बहुत ही कॉमन है, कोई भी इसे आसानी से ले सकता है। इस पॉइजन का नाम बेलाडोना है। इसके बाद रोबेना हैरिसन से मिलने के लिए बार में जाती है। हैरिसन उसके लिए स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है। वो कहता है, पूरे टाउन में ये इसी बार में मिलता है। आज हैरिसन ने अपने ऑफिस से एक एम्प्लॉय को मारकर बाहर निकाला था, क्योंकि उसने धोखा दिया था। इसके बारे में रोबेना उससे पूछती है। तब हैरिसन कहता है, मुझे धोखा देने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तो रोबेना ने कहा, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम्हारी वाइफ है लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ हो। ये बात हैरिसन को अच्छी नहीं लगी। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर देता हूँ, वो तुम्हें घर पर छोड़ देगी। घर पर आने के बाद रोबेना हैरिसन के साथ फिर से चैट करने लग गई। ये आज रात बहुत ही एडल्ट चैट कर रहे थे और हम देख सकते हैं माइल्स भी आज रात बहुत ड्रंक था और वो हैरिसन का अकाउंट लेकर रोबेना से चैट कर रहा था। फिर अगली सुबह रोबेना से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आया। ये वही बॉयफ्रेंड है जो ग्रेस के साथ भी इंटीमेट हुआ था। माइल्स रोबेना को कॉल करता है, तभी बैकग्राउंड में उसने उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ सुनी। माइल्स इस पर गुस्सा हो गया और वो कहता है, तुम अभी भी उसको डेट क्यों कर रही हो, उसने तुम पर चीट किया था। रोबेना इस बात को मानने नहीं वाली थी। तभी माइल्स ने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज पुलिस स्टेशन जाकर एक DNA टेस्ट देने वाला है, पुलिस को लगता है ग्रेस का चाइल्ड उसका ही था। इस पर रोबेना गुस्सा हो गई, उसने अपने बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट किया। बॉयफ्रेंड भी गिल्टी महसूस करता है, वो कहता है, शायद वो बेबी मेरा हो सकता था। फिर रोबेना उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो अपसेट होकर काम पर जा रही थी, तभी नीचे उसे हैरिसन मिलता है। वो कहता है, मैं तुम्हें लिफ्ट देना चाहता हूँ। कल रात जो भी हुआ इसको हैरिसन ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। अगले सीन में माइल्स और रोबेना डिस्कस कर रहे थे। माइल्स ने हैरिसन की वाइफ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकाली। उसे पता चला उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अगर इनको हैरिसन की ईमेल का एक्सेस मिल गया तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। माइल्स इसे डायरेक्टली हैक नहीं कर सकता था, तो उसने रोबेना को ये एक USB दिया। वो कहता है, इसे जाकर हैरिसन की PC पर लगा दो, जिससे इन्हें ईमेल का एक्सेस मिल जाएगा। रोबेना USB ले जाकर हैरिसन के PC पर लगा देती है, लेकिन PC में बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर था जो इस तरह के अटैक को रोकता है। अचानक से हैरिसन ने रोबेना को अपने ऑफिस में पकड़ लिया। वो पूछता है, तुम किसके लिए काम करती हो। रोबेना कहती है, मैं तुम पर स्पाई नहीं कर रही थी। हैरिसन को बिलीव नहीं होता। तब रोबेना कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक लिस्ट छोड़ने के लिए आई हुई थी, तुमने कहा था वो ड्रिंक कहीं भी नहीं मिलता, तो मैंने सर्च किया, आसपास के 17 रेस्टोरेंट हैं जहां पर वो ड्रिंक मिलता है, उसी की लिस्ट मैं तुम्हें देने के लिए आई हुई थी। इतनी सारी डिटेल देखकर हैरिसन भी उस पर ज़्यादा शक नहीं करता। वो फिर उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में रोबेना वॉशरूम गई, तभी उसका मोबाइल बजता है। ये मैसेज माइल्स के नंबर से आया हुआ था। वो कहता है, ठीक है, मैं हैरिसन के कंप्यूटर में घुसने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूँगा। इस बात से हैरिसन कंफर्म हो गया, रोबेना उस पर स्पाई कर रही है। जब वो उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तब वो कहता है, मुझे सच सच बताओ। हैरिसन को लगता है रोबेना पुलिस के लिए काम करती है। रोबेना भी उसे सच नहीं बताती, हैरिसन को जो लग रहा था उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। हैरिसन उस पर बहुत गुस्सा था। वो कहता है, मुझे लग रहा है तुम्हें मार डालूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। फिर अगले दिन माइल्स हैरिसन के ऑफिस में ही पहुंच जाता है। वो कहता है, मैं आपके IT डिपार्टमेंट से आया हुआ हूँ, कल रात किसी ने आपके PC को एक्सेस करने का ट्राई किया, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ।
हैरिसन उस पर बिलीव कर लेता है। माइल्स को जो भी चाहिए था ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है। यहाँ की टूर लेते वक्त माइल्स की वाइफ जो फोटोज़ निकालती है ये फोटोज़ माइल्स को मिल जाते हैं। हैरिसन की वाइफ ने बहुत सारे लोगों को ड्रग करके उनकी आँखों की फ़ोटोज़ निकाली हुई थी। ये सारी चीज़ें बहुत ही लीगली हुई थी। ये चीज़ डायरेक्टली हैरिसन हिल को ग्रेस के मर्डर से कनेक्ट करती है। उनके पास हैरिसन के खिलाफ सारे सबूत हैं। रात में रोवेना माइल्स से मिलने के लिए उसके घर आती है। उसके क्लोजेट से कुछ आवाज़ आ रही थी, वो उसके पीसी की थी जो उसने क्लोजेट के पीछे रखा हुआ था। रोवेना अंदर जाकर देखती है तो उसकी सारी फ़ोटोज़ वहाँ पर लगी हुई थी। माइल्स रोवेना के प्यार में ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसके पीसी पर उसने देखा तो अलग अलग लड़कियों की न्यूड फ़ोटोज़ पड़ी हुई थी। इसमें ग्रेस का भी फ़ोटो था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। जब माइल्स घर पर पहुंचा तब वो कहती है, तुमने ही ये सब किया है। माइल्स कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ग्रेस के साथ एक बार इंटीमेट हुआ था। ये उसके सारे फ़ोटोज़ हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कोई भी मर्डर नहीं किया। हैरिसन के खिलाफ उसने जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं वो सारे रोवेना को दिखाता है, लेकिन रोवेना यहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। हैरिसन हिल को उन्होंने फ्रेम कर दिया था। उसे पुलिस पकड़ती है और कोर्ट रूम में उस पर केस चलता है और उसे गिल्टी पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रोवेना के वॉशरूम में ही वही पॉइजन है जिस पॉइजन से ग्रेस की डेथ हुई थी। माइल्स ने रोवेना के घर में ये सब देख लिया था। वो उससे पूछता है, तुमने ग्रेस को क्यों मारा। रोवेना का फिर फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। वो जब छोटी थी तब उसके स्टेप फादर उसे अब्यूज़ किया करते थे। एक बार ये करते हुए रोवेना की मदर ने उन्हें देख लिया। गुस्से में उसने स्टेप फादर को मार दिया था। फिर रोवेना और उसकी मदर ने इन सारी चीज़ों को कवर कर दिया, अपने बैकयार्ड में फादर की बॉडी को दफना दिया। जैसा कि हमें पता है, ग्रेस और रोवेना बचपन से ही नेवर थी। ग्रेस ने ये सारी चीज़ें देख ली थी और बचपन से ही वो रोवेना को ब्लैकमेल करती हुई आ रही थी। उस रात जब वो रोवेना से मिली, उसने उसे हैरिसन हिल के बारे में बताया। उस रात भी वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। रोवेना इस सबसे तंग आ चुकी थी, उसे कभी ना कभी तो एंड करना ही था, तो उसने मौके का फायदा उठाकर ग्रेस को मार डाला। ये सब माइल्स ने फिगर आउट किया। जब उसने रोवेना के पीसी पर हैरिसन हिल को सर्च किया था, तब रोवेना ने ऑलरेडी हैरिसन हिल को सर्च करके रखा हुआ था। हैरिसन की वेबसाइट से पेंटिंग में पॉइजन यूज किया गया था। रोवेना को इसके बारे में पता था। इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाकर उसने एक परफेक्ट मर्डर किया। ये सब चीजें जब रोवेना माइल्स को बता रही थी तो माइल्स भी उसे सहारा देता है। वो कहता है, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, लेकिन अब ये मुझे पता चल चुका है। इस राज को राज रखने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। वो रोवेना के साथ इंटीमेट होना चाहता था। रोवेना को माइल्स पर गुस्सा आया और वो उसे भी मार देती है। फिर उसके पास जो पॉइजन था वो माइल्स के हाथ में रख दिया। माइल्स के नाखूनों से अपने आप पर वार कर दिया। फिर उसने पुलिस को कॉल लगाया। उसने सारी चीज़ें इस तरह से बनाई कि माइल्स ने ही ये सब किया है। वो फिर से एक और मर्डर करके बच गई थी, लेकिन इस बार भी एक नेवर उसे देख लेता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें रियलाइज़ करवाती है, परफेक्ट मर्डर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। कुछ गलत करने के लिए कभी ना कभी हमें उसका नतीजा भुगतना ही पड़ता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।